15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस बीच भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंचकर तिरंगा लहराया और फिर बाइक रैली का आगाज हुआ। इस दौरान मंच पर जगदीप धनखड़ के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत और बांसुरी स्वराज दिखी। बाइक रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत किरेन और गजेंद्र सिंह शेखावत करते दिखे। फिर एक के बाद एक बाइक सवार तिरंगा लिए निकलते दिखे। इसके साथ ही किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात भी की और इस रैली के जरिए पूरे देश को हर घर तिरंगा का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने देश भावना को, राष्ट्र को जगाने के लिए हर घर तिरंगा का ये यात्रा शुरू किया है और ये आंदोलन बन चुका है। हर एक भारतीय तिरंगा लेकर के आज घर से निकले हैं, पैदल, बाइक, गाड़ी, हर जगह। और ये आंदोलन देश को मजबूत करने के लिए, तिरंगा हमारा शान है और तिरंगा पूरा देश को एक सूत्र में बांधता है। ये हमारा पहचान है, हमारा निशाना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पुकारा कि हर घर तिरंगा लेकर के हमको इस 15 अगस्त तक मुहिम चलाना है, तो ये आंदोलन बन चुका है। आज हम लोग सब इंडिया गेट तक यहाँ भारत मंडपम से निकलेंगे। उपराष्ट्रपति जी आए और कल्चर मिनिस्ट्री ने इसको अरेंज किया, हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है। ठीक है, तिरंगा भारत के एकता, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला है, इसलिए तिरंगे के सम्मान में खड़े होकर हम सब लोग एक बार फिर इस संकल्प को कि हम तिरंगे के मान और सम्मान को नहीं झुकने देंगे, अपने सारे शहीदों को जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए या देश को सुरक्षित करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उनके को श्रद्धा सुमन का अर्पित करते हुए उनके सम्मान में संकल्प लेते हैं कि हम महा भारती का मान और सम्मान निरंतर बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से हुई है। इस अभियान के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।